आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधि मंडल सर्कुलर रोड स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में बने फ्लैटों की अवैध रूप से हो रही है खरीद फरोख्त व किराएदारी के संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। क्रांति सेना जिला महासचिव देवेंद्र चौहान व राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि काशीराम आवास में पिछले काफी समय से सरकारी फ्लैटों की खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है। काशीराम कॉलोनी में बने लगभग 600 मकानों में से 100 से अधिक मकान ऐसे हैं जिनको आवेदनकर्ताओं ने अवैध रूप से अन्य लोगों को बेच दिए हैं या फिर उन्हें किराए पर चढ़ा दिए हैं। नगर अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा, फ्लैटों के आवंटन में हुई धांधली के कारण अनेक फ्लैट संपन्न व अपात्र लोगों को आवंटन कर दिए गए थे। ऐसे आवंटनकर्ताओं के मकान अन्य स्थान पर भी मौजूद हैं, जो न तो इन सरकारी आवास में रह रहे हैं और न ही उन्हें इनकी आवश्यकता है और कुछ फ्लैट वर्षों से बंद पड़े हैं। ऐसे फ्लैटों की जांच कर पात्र व जरूरतमंद लोगों को आवंटन किए जाएं एवं फ्लैटों में किराए पर रह रहे किराएदारों को ही आवंटन करा दिए जाएं। सिटी मजिस्ट्रेट ने जाँच कर शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये लोकेशन आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिला। हमने बताया कि जो आपका आवास विकास कॉलोनी सर्कुलर रोड काशीराम आवास विकास कॉलोनी है उसमें लगभग 600 मकान हैं। उन 600 मकानों में 150-200 मकान ऐसे हैं जिनके नाम तो आवंटन मकान उनके हैं मगर उन्होंने अपने मकान किराए पर दे रखे हैं 2,500-2,500 रुपये महीना। कुछ मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल ताले लगे हुए बंद पड़े हुए हैं। तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि जो उन मकानों किराएदार हैं वे मकान उन किराएदारों के ही नाम करवा दिए जाएं और जो बंद पड़े मकान हैं उन्हें खाली करवा कर उन्हें पात्र व्यक्तियों को उनके नाम आवंटन करा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे आगे? हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अवगत करा दिया है कि हमें मजबूरन फिर अगर आप लोग क्योंकि भ्रष्टाचार उस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ गंदगी बहुत ज़्यादा है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे।